उसको लेकर के लोगों में, लोगों की जो भावना है, लोगों का जो उत्साह है, वो कैसे कम हो सकता है? प्रधानमंत्री ने जरूर अपील की थी, लेकिन लोग सहज भाव से वो अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं और लोगों अपने अपने, देखिए तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि जहां भी आपको नजर जाएंगी वहां अपने अपने तरीके से लोग इस पल को जीना चाहते हैं। लोग कहीं ना कहीं इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि ये गौरवशाली क्षण है। जिस तरीके से 500 सालों के बाद ये क्षण आया है, एक लंबा संघर्ष लोगों ने देखा है कि राम लला जो है वो राम मंदिर में विराजमान हो, और वो क्षण जो है अब आ गया है, एक सपना जो है वो साकार होने जा रहा है, तो इस पल को मिस नहीं करना चाहते लोग। बिल्कुल, हर कोई इसे अपने जहन में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि ये पल वो है जिसको लेकर लंबा संघर्ष किया, दशकों तक तपस्या की गई, और हमारी ऐसी पीढ़ी भी रही जो सपना देखती रही लेकिन बिना सपने को साकार होते हुए देखे हुए ही चली गई। अनूप, बिल्कुल इतिहास बनते, हर कोई यहाँ पर देख रहा है। सुशील भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मुझे। सुशील, वहां बताए, ओरछा का रंग दिखाए, वीवीआईपी तो वहां पर भी पहुंच रहे हैं, मुख्य मंच के पास में कुछ लोगों ने, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जो अयोध्या कही जाती है ओरछा, वहाँ भगवान राम राजा सरकार के यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचे। आप देख सकते हैं कि कलाकार भी यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आयोजन यहाँ शुरू होंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो वीआईपी रहेंगे उनमें सबसे प्रमुख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में यहाँ आने वाले। सुशील, लौटूंगे आपके पास। यहाँ पर एक तस्वीर जो दिखा रहे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, शबरी नारायण राम मंदिर पहुंचे हुए, यहाँ पर वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शबरी नारायण राम मंदिर, तो जांजगीर चांपा जिले के शबरी नारायण मंदिर में है, और यहाँ पर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है उसका सीधा प्रसारण का भी इंतजाम किया गया है। शिवरी नारायण मंदिर से जगन्नाथ मंदिर जाएंगे सीएम, उसके बाद नर नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। ये तस्वीरें हर कोई अपने अपने स्तर पर देखे, इस उत्सव के आनंद में शामिल हुआ है, अपनी भागीदारी निभा रहा है, और रामलला के आगमन की खुशियों को लेकर तैयारी यहां पर सभी ने की है, अपने घरों में भी की है, जो विशेष मंदिर है वहां पर भी की गई है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राम ध्वजा हर तरफ लहरा रही है, अवध में बधाई गीत गाए जा रहे हैं, और पूरा देश इस समय राम नाम भज रहा है। ये विशेष तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख पा रहे हैं हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी अयोध्या का रंग हम आपको लगातार दिखाते रहे, ताकि जब आप अयोध्या पहुंचे दर्शनों के लिए तो कोई भी रंग आपको ये ना लगे कि आपने नहीं देखा है। मंदिर को लेकर मोदी जी को आप कितना है? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा, तो देख सकते हैं आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार दर्शन करते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शिवरी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं वो, इसके बाद जगन्नाथ मंदिर भी जाएंगे और फिर नर नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। इसके अलावा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो आयोजन किया गया उसका सीधा प्रसारण यहां पर किया जाएगा, उसमें भी शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। शिवरी नारायण मंदिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की भी हर एक तस्वीर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हलचल भी आपको एक साथ यहां टीवी न्यूज पर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखने को मिल जाएगी, और थोड़ी देर में आप प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे। जी सुशील, जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की जो अयोध्या है ओरछा, भगवान राम राजा सरकार के यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, और यहाँ सबसे खास बात यह कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ आएंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद यहाँ जो अयोध्या से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा उस प्रसारण को यहाँ देखेंगे स्क्रीन पर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ
पूजा अर्चना भी करेंगे, रामराजा सरकार के दर्शन करेंगे और उसके बाद वैदिक मंत्रों के जरिए यहाँ पूजन पाठ भी होगा और उसके बाद जो है अयोध्या से जो सीधा प्रसारण होगा उस कार्यक्रम को देखेंगे। मोहन यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ है, वो भी रामधुन कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ बुंदेलखंड के अलावा भी मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य जो राज्य हैं वहाँ के भी दूर दूर के श्रद्धालु जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। थोड़ी देर बाद जब यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कलाकारों की टोलियां भी यहाँ पहुँच चुकी है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये जो ओरछा का मंदिर है भगवान राम राजा सरकार का, इसका सीधा सीधा सा अयोध्या से कनेक्शन है। माना जाता है कि भगवान राम के दो निवास थे जिनमें भगवान राम दिन के वक्त ओरछा में रहते थे और उसके बाद शाम को वो अयोध्या में रवाना होते थे। तो निश्चित तौर पर ये जो धाम है ओरछा धाम कहा जाए तो भगवान राम का दूसरा घर है। यही वजह है कि आज इस ऐतिहासिक पल को जब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम विराजित होंगे तो उस पल का साक्षी बनने के लिए भगवान राम के इस दूसरे घर बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में भी बड़ी तादाद में भक्त आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर इस कार्यक्रम को देखेंगे और पूजन अर्चन करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो वीआईपी हैं ये भी यहां पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही आम लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहां जो कार्यक्रम है कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो भक्तों की तादाद है धीरे धीरे बढ़ रही है। आज ठंड का कोहरे का मौसम था फिर भी जो लोगों की आस्था है उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। अभी तक सूर्य ने दर्शन नहीं दिए लेकिन भक्त जो है भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और कोहरे के आगोश में लिपटे हुए इस अद्भुत अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर के लोग। बिल्कुल सुशील, तो मौसम भले ही ठंडा है लेकिन जोश ठंडा नहीं है, उत्सव आनंद की तस्वीरें हर तरफ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो प्रभु राम का दूसरा घर है ओरछा, वहां पर भी विशेष आयोजन इस मौके पर किया गया है। क्या वीवीआईपी, क्या आम, हर कोई इस समय रामधुन में मगन है क्योंकि राम ही है जीवन का आधार। राम ही है जो जीवन के पहले संस्कार से लेकर आखिरी संस्कार तक में जिनके नाम का सहारा लिया जाता है और इसीलिए आज हर कोई रामधुन में मगन है। अयोध्या की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, भव्य राम मंदिर जहां पर अब से थोड़ी ही देर में रामलला के नूतन विग्रह जब हम सबको दर्शन मिलेंगे और बहुत ही बड़ा दिन है और कोई खुशी ही, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। देखते हैं और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूंगी लोग आए यहाँ पे मेहनत के साथ साथ आस्था भी रखें और देखते हैं अब दर्शन कैसे रहेंगे। तो साइना नेहवाल को आपने सुना, वो भी यहाँ पर आमंत्रित है और कह रही थी कि देखिए हम चाहते हैं कि हर भक्त पहुंचे, हर भक्त पहुंचेगा और ये जो खुशी है वो देश के हर वासी के अंदर समय है क्योंकि ये एक लंबा संघर्ष लंबी तपस्या रही। और तस्वीरें देखिए, भव्य तस्वीरें, वहां मेहमान जहां बैठेंगे वो दिखा रहे हैं हम आपको, लगातार काफिला पहुंच रहा है वो भी दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी आज के इस खास दिन को लेकर के आयोजन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें, त्रेता युग में जब प्रभु राम वनवास से लौटे थे तो उस वक्त क्या हाल था, क्या तस्वीरें रही होंगी, वो हमने सिर्फ पढ़ा है तुलसीदास की रामचरितमानस में लेकिन आज हम देख पा रहे हैं। और इसीलिए भक्त भी कह रहे हैं कि त्रेता युग जैसा ही हाल इस समय तस्वीरें देखने को मिल रही है, हर कोई वैसा ही आनंदित नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का लगभग 4 से 5 घंटे अयोध्या में रहने का कार्यक्रम है और 2:10 पर कुबेर टीला का दर्शन कर प्रधानमंत्री वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आ रहे हैं अवध बिहारी, देख रही है दुनिया सारी, विश्व के किसी भी हिस्से में जहां राम भक्त हैं वहां सिर्फ रामधुन है इस समय। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उदयधारी मठ पहुंचे जहां उन्होंने पूजन अर्चन किया है और वहां पर दर्शन करने के